जी नमस्ते। आज मैंने डिसाइड किया है कि ये शोबाजी तो होती रहेगी, लेकिन क्या है कि देर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, देर आर लॉट ऑफ स्पीचेस विच आई गिव टू माई सेल्फ ऑन डेली बेसिस। देयर सो मेनी थिंग्स विच जस्ट पॉप अप इन माई हेड आउट ऑफ थिन एयर। आई वोबलाइज देम टू माई सेल्फ और टू माई सेल्फ इन द मिरर एंड देन दे जस्ट वैनिश बैक इन द थिन एयर, विच इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। तो मैंने सोचा कि थोड़ा उस पर पकड़ की जाए। तो पकड़ का ये एक पहल है, उस पकड़ के लिए मैंने एक पहल की है कि यार ये जो शूटिंग है ये चलती रहनी चाहिए। चलती रहेगी, बीच में अपन ने कोई ब्रेक लेना है तो ये पॉज कर देंगे, और जो इधर उधर की चीजें होंगी, जो काम की चीजें नहीं होंगी, या एक लंबा साइलेंस अगर हो गया तो उसे क्रॉप कर देंगे। अब क्या है कि स्प्लिट कर करके, क्रॉप कर करके रिजॉइन करना अपने आप में एक टास्क है, बिकॉज आई जस्ट हेट टू यूज विंडोज मूवी मेकर। इट्स अ पेन इन एस। बहुत देर तक तो उसको वो क्या बोलता है, एक्नॉलेज करता है कि फाइल आ गई है, क्या बोलते हैं उसको, फाइल लोडेड। फिर उसको स्प्लिट मारने में टाइम लगावे, फिर स्प्लिट करने के अंदर भी वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। विंडोज ने आज तक कोई प्रोडक्ट बनाए हो, आई एम सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने आज तक, हाँ तो विंडोज की हो गए हो, माइक्रोसॉफ्ट ने, आप बताइए ये कोई तरीका है विंडोज को छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट ने हाँ ऑफिस बनाया। ऑफिस के अंदर भी जनता को क्या यूज करना आता है, वर्ड यूज करना आता है। ठीक है, हम लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर किया हुआ होता है, तो पीपीटी और एक्सेल शीट, उसमें से भी आप मुझे बताएं, आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एनिमेशन बनाना जानते हैं, एक कॉमिक स्ट्रिप बनाना जानते हैं, टाइमर डालना चाहते हैं, मैक्रो का यूज करना जानते हैं, एक्सेल शीट के अंदर फंक्शंस का यूज करना जानते हैं, यूं ले लो आप। बट ठीक है, वो एक विच इज वेरी ब्रिलियंट थिंग। इन जनरल पॉइंट ये कि यार जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विंडोज मूवी मेकर, इट्स नॉट गुड डील। तो अगर ज्वाइन नहीं कर पाया, रिज्वाइन नहीं कर पाया, तो उसको मल्टीपल स्प्लिट स्प्लिट करके डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, कुछ बोल दूंगा कि भैया रैंडम डिस्कोर्स, रैंडम स्पीचेस। तो आज मैं, अब आज क्या बताऊं, आज मैं का मतलब, तो आज जब से सुबह हुई है तब से लेकर अभी तक कितने बज गए, कुछ 9:30 हो रहे हैं, सुबह से लेकर अभी शाम तक बहुत कुछ मैं रिसर्च करता हूं। सुबह से 3 दिन से तो बड़ी ये अग्रेसिव रिसर्च चली जा रही है, कुंडलिनी का फंडा क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, इजिप्शियंस ने क्या बोला है, बाइबल के अंदर इससे मिलती जुलती क्या बात है, फिरंगी आज के क्या मानते हैं, न्यूरोफिजिसिस्ट क्या मानते हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट क्या मानते हैं, हमारे बाबा विभिन्न विभिन्न बाबा क्या मानते हैं, यहाँ पर भी तो अलग अलग प्रकार के बाबा हैं, आजकल तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग बाबा हो गए, सदगुरु का क्या मानना है, जय कृष्ण मूर्ति का क्या मानना है, नित्यानंद स्वामी का क्या मानना है,
ये सब प्रो लोग हैं तो उनका देखना होता है, तो उन सबके मैं सुनता रहता हूँ प्रवचन कि भैया क्या किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो कुछ लोग साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग एनर्जी चैनल से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग एंटायरली स्यूडो साइंटिफिक तरीके से। तो ये सब चीजें हैं, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है ये अलग अलग तरीके से चीजों को परखने का, उनके बारे में जानने का, उनके अलग अलग एट्रीब्यूट जानने का, तो वो सब मैं करता रहता हूँ। तो अब मुझे समझ में आया बेसिकली जो मैंने YMCA का टॉक दिया था, इतनी खतरनाक एनर्जी कहां से आ गई मेरे अंदर। अगर urbanpro.com के ऊपर आप जाएं, जहां पर मेरा मैथ फैकल्टी की तरह फीडबैक कलेक्ट होते हैं, जहां पर रिव्यूज आते हैं मेरे स्टूडेंट्स के, अब करीब 60-70 रिव्यूज होंगे, उसमें काफी लोगों ने तारीफ की है मेरे ह्यूमर की, मेरे फन नेचर की, फ्रेंडली नेचर की, मेरी इंटेलिजेंस की, मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके, मेरी टीचिंग स्किल की। बट किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कभी कि यार मतलब कम्युनिकेशन स्किल, ये पब्लिक स्पीकिंग, जो स्टेज परफॉर्मेंस है, जो स्टेज परफॉर्मेंस है, आई एम सॉरी, जो स्टेज परफॉर्मेंस है, जो स्टेज प्रेजेंस है, जो अपने बात को कम्युनिकेट करने की जो ओवर फ्लुएंसी है, जो कन्विक्शन है, इस तरह की बातें किसी ने नहीं कही। ये आ गई अचानक से मेरा ब्लॉग खड़ा हो गया, मेरे जो यूट्यूब वीडियोस थे पहले 3 महीने पहले 20 थे, अचानक से 80 हो गए हैं। हर एक समस्या का समाधान आ गया है, अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना आ गया, एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ गई है, लाइफ का पर्पस पता चल गया है, एंड द टॉप मोस्ट नीड ऑफ ह्यूमैनिटी पता चल गई है। ह्यूमैनिटी नीड्स, द टॉप मोस्ट नीड ऑफ ह्यूमैनिटी मैनकाइंड इज टू गेट इंटीग्रिटी ट्रीटेड एंड ब्रिंग द ट्रू फुलफिलमेंट अमंग ऑल मेन एंड वुमेन टू मेक देम वॉक द वे ऑफ सुपीरियरिटी। तो उसमें तो काफी गहरा ये पॉइंट ये है कि ये सब अचानक इसीलिए हो गया, वो एनर्जी इसलिए आ गई थी, मेरा मेरे अंदर अग्रेशन इसलिए आ गया। वो थाड़ाई वाला फंडा है, थाड़ाई अगर एक्टिवेट हो जाता है ना भाई साहब, मैंने क्या क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने ये पहचानी कि जो भी अपनी जिंदगी का ना सक्सेसफुल है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, टोनी रॉबिन्स है, नेल्सन मंडेला, चेगुवेरा, महात्मा गांधी, संदीप माहेश्वरी, हितेश शाक्या, त्यागी जी जिनसे मैं मिलकर आया था, उनका अभी तक मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, तो इसमें फिर मैं रोष प्रकट करूंगा। सबके 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 सब लोगों का थर्ड आई, ये पीनियल ग्लैंड है, या आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है सबके 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 सबका। अब जब वो एक्टिवेटेड हो जाता है ना, तब वो उस बंदे को उसकी जिंदगी के अंदर, उसके जीवन में एक वर्टेक्स दे देता है, एक दिशा दे देता है कि ये है आपकी पर्सनैलिटी, इसमें आ गया ये वर्टेक्स, इस पर निकल जाओ, इसको शाइन करो, यही आपका रास्ता, इस रास्ते पर निकल जाओ, जिस रास्ते पर निकल गया बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, टेस्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, मैं, और ये वर्टेक्स मिलने के बाद अगर आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी होने लगे, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का मतलब क्या है, यू रियलाइज द नेचर ऑफ सोल नॉट जस्ट विद इन यू बट विद विद इन एवरी लिविंग बींग, यू नॉट ओनली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो एक्नोलेजिंग एंड विटनेसिंग द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस इन एवरी पार्टिकल अराउंड यू। You start understanding
that everything that you see around, you hear around, you feel around, every being, everything contributes back to the Om. Spiritual awakening ho jana. To be able to perceive things beyond five senses and beyond your cognitive, logical thinking, your conscious thinking, to be able to perceive things beyond your five senses and your logical ability to think, rational thinking, is called awakening of Agya Chakra. तो बिल गेट्स ने तो ऐसे तो किया, वॉरेन बफेट ने और क्या किया? वॉरेन बफेट इंट्यूशन बढ़ जाना, पता चल जाना कि ये तो बढ़ेगा शेयर, इसमें डाल दो, ये घटेगा इसमें से निकाल दो, उसके पीछे आप पूरी की पूरी टीम लगा दो जस्टिफाई करवाने के लिए, हाँ भैया सही है सही है, बट वो तो बाद में है ना, अपन ने तो पहले चमक गया अपने आप को, अंबानी को चमक गया, यहाँ पर पैसा डालने का है, यहाँ पर नहीं डालने का है, यहाँ पर ये टैक्स की चोरी करनी है, यहाँ पर ये गड़बड़ करनी है, यहाँ पर जैसे लॉ को बेंट करना है, सब चमक गया। कौन सा रिसर्च की थी बैठ के, कौन सी, तो आईएम थोड़ी ना गया था वो, ये फाइनेंशियल मार्केटिंग में उसने रिसर्च किया था, सर्टिफिकेशन लिया था, नहीं समझे? एस्थर हिक्स है, उसको घर बैठे बैठे एनलाइटमेंट हो गया, उसने पूरा पब्लिकेशन ही खोल दिया, किताबें लिख डाली। अबे तो तुम्हारी हैरी पॉटर लिखने वाला और तुम्हारे एलओटीआर लिखने वाला, मुझे पता नहीं वो कौन है उसके नाम, एक तो हैरी पॉटर किसने लिखी, रोलिंग फॉलिंग ने लिखी है, तू बस 100% 101% 101% थर्ड आई वाले केस है भाई साहब, तो केजरीवाल और क्या है, ये सब जो लोग जो ऐसे ऐसे लगता नहीं, ये क्या हो गया, कहां पहुंच गया, अभी इधर तक किधर गया जी है, अभी तो इधर था, कोई सारी कैसे रॉकेट की स्पीड पकड़ी, तो जो रॉकेट की स्पीड पकड़ते हैं ना, विश्वास ऐसा आ जाता है कि लॉजिकल जो एबिलिटी है, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है, वो सपोर्ट नहीं करते आपके विश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को, बट यू कैन सी बियॉन्ड योर फाइव सेंसेस एंड योर लॉजिकल एबिलिटी टू रैशनली परसीव थिंग्स, रैशनली डाइसेक्ट देम, रैशनली ब्रेक देम डाउन। ये सब का फल है, तो ये बियॉन्ड देखने की क्षमता हो जाने के बाद जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होने लगे, तो इसका मतलब है कि जो सारे के सारे छह चक्र हैं आज्ञा चक्र तक लेकर, जो ये जो कंट्रोल होते हैं सहस्रार से, ये पूरा हो गया भैया कनेक्टेड। इसको मैंने क्या समझा है, इसको देखो भैया, मैंने कोई तपस्या तो की नहीं, ना मेडिटेशन से मेरा कोई लगाव है, अब हो गया है भाई, कभी जिंदगी में बैठ के ना तो बैठ के सिद्धि विद्धि की है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कुंडली अवेकनिंग के, और अगर कोई भी तरीका वर्कआउट नहीं हुआ ना, तो एक बाप तरीका तो होता ही है, क्या, पिछले जन्म के सत्कर्म। तो मैंने ज्योतिषी से बात की थी और काफी रिसर्च भी किए, तो पिछले जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए होते हैं ना, तो इस जन्म में आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके थर्ड आई अवेकनिंग के, आपके कुंडलिनी अवेकनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर शायद मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं, इट्स अ कर्मा थ्योरी जिसके अलग अलग वर्जन्स भी हैं, बट जो मुझे सबसे ज्यादा कॉन्ग्रुएंट लगती है और मस्त लगती है, मस्ती आ जाती है, वो कुछ इस प्रकार से है कि इंसान अपने जीवन में जो कर्म करता है, जो मैं इस जीवन में कर्म कर रहा हूं, उसका 66% 2/3 हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, और जो 33% हिस्सा है, द 1/3, उसका मुझे इसी जन्म के अंदर बेनिफिट मिलता है। ये 66 वाला क्या है, ये अगले जन्म में ट्रांसफर्ड, एडिंग टू 33% अप टू 100%। तो ये इस जन्म में मैं किस चीज का काट रहा हूं, जो पिछले जन्म में 66% स्टोर हुआ था
और इस जन्म में मेरा 33% है। तो भाई मैं तो आई हैव ऑलवेज लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ नाइस गाय, मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं और कभी किसी का बुरा किया नहीं, कॉन्शियसली तो क्या ही किया होगा मैंने, और अनकॉन्शियसली तो फिर हो गया तो हो गया, ठीक है। तो उसके प्रोपोर्शन में तो मुझे लगता है मुझे इनफ गम मिल चुके अपने जीवन के अंदर, और जो 10 साल की मैंने एक लिस्ट बनाई है वो लिस्ट में शेयर कर दूंगा, मैंने 10 साल का पूरा अपना सुपीरियरिटी एक्सप्लेन कर दी है 10 साल के अंदर, व्हाट हैज बीन द 10 ईयर वर्क ऑफ ए सुपीरियर मैन। मैंने पूरी तरीके से एक एक्सेल शीट के अंदर बड़ा सा बता दिया कि मैंने जिंदगी में क्या क्या काम किया है, उससे ही प्रूव हो जाता है कि भैया ये इतने सारे काम एक बंदा 10 साल में कर लेवे ना तो ठीक है, ये उसकी इक्वलेंटी है कि हिमालय में जाके आप 10 साल तक तपस्या करो कुंडली अवेकनिंग के, तो उसके जैसा ये जस्ट दैट ये मैट्रिक्स के अंदर रहकर इसने ये सारे काम किए हैं। और तो पॉइंट ये है, अगर आप कंसीडर ना करो, अगर आप ये कंसीडर करो कि जो मैंने वो 10 ईयर वर्क ऑफ ए सुपीरियर मैन है वो जो डिस्क्राइब किया है उससे आई है तो बहुत अच्छी बात है, उससे प्रूव हो गया कि सुपीरिटी के रास्ते पर चलने से आपकी कुंडली नहीं जागृत हो जाती है, थर्ड आई अवेकन हो सकता है। और आप ऐसा नहीं मानो, आप ऐसा नहीं मानो तो आप ये मानो कि ये पूर्ण पिछले जन्म से आया है, और पिछले जन्म से अगर मेरे को आ गया, पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म थे 66% थे उनकी वजह से मेरे को ये मौका मिला थोड़ा ही जागृत हो जाने का। अभी मेरी रिसर्च के दौरान मैंने ये भी पाया कि थोड़ा ही जागृत हो जाना जहां बहुत अच्छी बात भी है वहीं बहुत बुरी बात भी है, थिंक अबाउट इट। भूत पिशाच नजर आना, आवाजें सुनाई देना, हेलुसिनेशन होना, डरावने सपने आना, मानसिक संतुलन खो देना, पागल हो जाना, जो तेरे नाम फिल्म के अंदर नहीं था, तेरे नाम फिल्म के अंदर जो पागल बैठे रहते हैं मेंटल हॉस्पिटल वाला केस, हाँ यू ले लो बेसिकली मेंटल हॉस्पिटल वाला केस, बात ही खत्म हो गई। पागल होने का मतलब क्या हो गया, हाँ पागल होने का मतलब इन जनरल भी हो सकता है कि कोई इन जनरली कोई तार वायरिंग का प्रॉब्लम हो गया हो, बट हर पागल वाला केस नहीं है, बट जो ये वाली स्थिति है थर्ड आई अवेकन हो जाने के बाद जो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस है वो है, वो वाला है पागल हो जाने वाला केस पकड़ लो। दाऊद इब्राहिम का भी यही केस है, स्टालिन का, हिटलर का, अमीन दादा का, हा? तो पावरफुल तो आप हो जाओगे, यू विल बी एबल टू सी बियॉन्ड। छोटा राजन, इन सबको पता होता है ना, लॉजिकली तो पता है, डॉन को पता है कि 11 मुल्कों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्यों, बिकॉज ही वॉज एबल टू परसीव बियॉन्ड वॉट अदर्स कुड सी। वो कहां से, हर्षद मेहता का यही तो केस है, 5,000 करोड़ गबन कर देते लोग, अरे अरे लोगों ने टुगेदर नहीं देखे होते, 1 करोड़ लोगों ने तो 1 लाख भी टुगेदर नहीं देखे होते। हर्षद मेहता क्या मतलब, मैंने फोटो देखकर, मैं फोटो दिखाऊं हर्षद मेहता की, चलो हर्षद मेहता, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया हर्षद मेहता वाज एन इंडियन, देखना भैया कहां से ये 5,000 करोड़ की नहीं है, पता नहीं, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, पता चल जाएगा ऑल इमेजेस में
तो चले गए। ये गुड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कितने का। एग्जैक्टली 5,000 करोड़ का, एग्जैक्टली ना 4 के 6 के 1,000 में, तो तुम कहां हार दिया रे भाई। पांच हजार करोड़ रुपए स्कैम। तो पॉइंट ये है ना, तो भैया इसकी शक्ल 5,000 करोड़ की है और ना अंबानी की शक्ल ऐसी थी कि उसके बच्चे 10,000 करोड़ का पता नहीं महल ही बनाकर रहेंगे बॉम्बे के अंदर, ना उनकी शक्ल ऐसे है। तो पॉइंट ये है